जालौन मेट्रो से मैरश्मी पांडे। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। जालौन में इंडोनेशिया परिवार संग घूमने गए डॉक्टर के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 6 छात्र चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 40 लाख रुपए की कीमती सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। 70,000 रुपए की नकदी भी चोरों के पास से बरामद हुई। चोरों के पास से 3 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस के साथ ही वारदात में प्रयोग किए गए अन्य उपकरण भी बरामद हुए। बीते 2 दिन पहले चोरों ने उरई शहर के मोहल्ला प्रेमनगर के नामी डॉक्टर अनिल गुप्ता के घर से लाखों के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किया था। एसओजी सर्विलांस और पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से की शातिर चोरों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुई चोरों की गिरफ्तारी। उरई कोतवाली के करमेर रोड पुल के पास से हुई है अभियुक्तों की गिरफ्तारी। इस वक्त देवेश स्वर्णकार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी देवेश जी, क्या है मामला? जिस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में 48 घंटे पहले, लगभग 2 दिन पहले, उरई नगर क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता के सूने घर में चोरों ने धावा बोला था और लाखों रुपए की गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी और लाखों रुपए का कैश लेकर वो फरार हुए थे। यानी कि चोरी की सूने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तो पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को ब्लाइंड केस की तरह एक्सेप्ट किया और इस पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम एक्टिव हुई है। और स्थानीय पुलिस यानी उरई कोतवाली पुलिस और साइबर सेल और सर्विलांस की टीम ने की संयुक्त कार्यवाही में आज जो है 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वो उरई नगर के ही रहने वाले हैं, करमे रोड के पास से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से 70,000 रुपये के करीब नगद बरामद किए गए, साथ ही लगभग 40 लाख रुपये के आसपास की गोल्ड सोने और चांदी की ज्वेलरी जो है वो भी बरामद की गई है। साथ ही इन लोगों के पास से 3 तमंचे, अवैध तमंचे, और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त जो उपकरण हैं वो उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, ये थाना उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ये 9 और 10 की रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर गुप्ता, उनके घर में चोरी की घटना हुई थी और थाना उरई और एसओजी सर्विलांस की टीम ने काफ़ी अच्छा गुडवर्क किया है। 48 घंटे के अंदर में घटना का खुलासा सफलता के साथ करते हुए कुल 6 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनके पास से 100% बरामदगी की गई है। और बरामदगी में कुल लगभग 700 ग्राम के आसपास सोना है और 600-700 ग्राम के बीच में चांदी है, जिनकी पूरी कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा कैश भी कुछ रिकवर किया गया है और ये 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इन 6 अभियुक्तों का नाम, एक का नाम आबिद खान है, दूसरा देवेंद्र रैकवार, तीसरा सनी रैकवार, चौथा गजेंद्र अहिरवार, पांचवा धर्मेंद्र अहिरवार, छठा रवि याग्निक है। और ये लोग भिन्न भिन्न जनपदों के हैं। इसमें दतिया का भी व्यक्ति है, झांसी का भी व्यक्ति है, जालौन का भी है। और ये एक तरह से एक अंतर जनपदीय गैंग है, जिनके खिलाफ अन्य भी इनके कुछ अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक इतिहास मिला है। तो इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी इनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके आगे इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और ये 100% 100% बरामदगी के लिए और काफ़ी कम समय में 48 घंटे में चोरी जैसी घटना का अनावरण करते हुए 100% बरामदगी के लिए थाना उरई पुलिस और एसओजी सर्विलांस की पुलिस को नगर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। सर, किस तरीके से ये लोग घटना को अंजाम देते थे? क्या रेकी करते थे या फिर अन्य तरीके के इस्तेमाल करते थे? देखिए, इसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ का जो जनपद जालौन का रहने वाला है, उरई का रहने वाला है, वो पहले से उसने रेकी की, फिर इन लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद जो सामने वहाँ पर रहता भी था उसने, और उससे काफ़ी प्लानिंग के साथ और इसने इस स्ट्रेटजी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। आप लोगों को संज्ञान में ये भी बताना मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुप्ता इस समय विदेश में इंडोनेशिया में संभवतः छुट्टी लेकर गए हुए थे और घर पर नहीं थे, और उस समय इन लोगों ने प्रॉपर रिकी करके उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है और अब इनको पकड़ के जेल भेजा। सर, सीसीटीवी कैमरे की कितनी मदद मिली है? क्या सीसीटीवी कैमरे की कितना महत्व रहा है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा इस घटना के इतनी जल्दी खुलने में, तेजी से खुलने में सीसीटीवी कैमरे का अहम रोल रहा है। उसमें हम लोगों ने फुटेज में कुछ लोगों के मूवमेंट पकड़े गए थे, उसी आधार पर इनकी जो है त्वरित पहचान हुई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियाँ हुई और इस तरह से घटना में 100% बरामदगी भी हो गई। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।